रघुपति राघव राजा। मेरे प्यारे दोस्त, यह है मेरा आपके लिए संबोधन। ये केवल औपचारिकता नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। पिछले 33 साल से मेरा यही काम है कि मैं हर एक मनुष्य के साथ मित्रता करके सारी मानव जाति का मित्र बनूं, और वह भी जाति, धर्म या रंग भेद से ऊपर। अपनी जन्मभूमि के लिए आपकी वीरता और आपके समर्पण के बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है, और न ही हम आपके विरोधियों द्वारा आपको बुरा इंसान कहा जाना मानते हैं। परंतु हमारी परिस्थिति विशिष्ट है। हम नाजीवाद की ही तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। दोनों में फर्क है तो सिर्फ मात्रा का। मानव जाति का 1/5 ब्रिटिश की एड़ी के नीचे है, मतलब यह बात हमें मंजूर नहीं है। हमारा यह विरोध ब्रिटिश लोगों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। हमारी इच्छा उनको बदलने की है, न कि लड़ाई करके हराने की। हमारी ये निःशस्त्र क्रांति ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ है। हम उन्हें बदल सके या नहीं, परंतु उनकी सत्ता को हमारे अहिंसा और असहकार के हथियार द्वारा निष्क्रिय बनाने के लिए हम दृढ़ निश्चयी हैं। पिछले 50 साल से हम ब्रिटिश सत्ता को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आजादी का आंदोलन जितना बलशाली आज है, उतना पहले कभी नहीं था। मेरा मतलब है, सबसे शक्तिशाली संस्था इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी ध्येय को पूरा करने की कोशिश में है। अहिंसक प्रणाली में, जैसा कि मैंने कहा है, पराजय जैसी कोई बात नहीं होती। उसमें तो खून खराबा और हिंसा के बिना ही करो या मरो, यही है। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मानवता के नाम पर लड़ाई रोक दें। आपका शुभचिंतक, मोहनदास करमचंद गांधी।